नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष ग्रह विज्ञान के वस्तु विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम रंगों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रंग दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग। प्राकृतिक रंग जो हमें प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, चाहे वह उसका सोर्स आपके एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं, या फिर आपके और भी खनिज जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं, अर्थात वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज, ये तीन स्रोतों से हमें प्राकृतिक रंग प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रंग मुख्य रूप से जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कत्था जो है वह एक प्राकृतिक रंग है। प्राणिज रंग के अंतर्गत एक प्रकार की फिश है जिससे हम क्रिम्सन कलर प्राप्त करते हैं, और खनिज जैसे मेटालिक डाइज है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट को मिलकर येलो कलर बनाती है, जैसे और लेड फॉस्फेट और क्रोमियम सल्फेट मिलकर आपके ग्रे कलर का या खाकी रंग का निर्माण करते हैं। यूजुअली जब हम देखते हैं तो हम रंगों को दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है आपका पिगमेंट्स या वर्णक और दूसरा होता है रंजक। वर्णक और रंजक में मुख्य रूप से अंतर उनके कणों के आधार पर हम करते हैं। रंजक या डाइज जो होते हैं वे जल के अंदर घुलनशील हो जाते हैं, इनमें ताप तथा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्रों की रंगाई करते हैं, पर वर्णक जो होते हैं वे अघुलनशील होते हैं और इनके कण रंजकों की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होते हैं, अपारदर्शी होते हैं और ये वस्त्र की गहराई तक न जाकर केवल सतह पर चिपक जाते हैं, परंतु जब ये सतह पर चिपक जाते हैं तो इसमें साइजिंग प्रोसेसिंग के माध्यम से या साइजिंग या अफिक्सिंग पदार्थ के माध्यम से, चिपकाने वाले पदार्थ के माध्यम से इन्हें एक्चुअली कपड़ों पर स्थिर किया जाता है। हम देखते हैं कि कलर्स जो होते हैं उनकी एफिनिटी जो होती है वस्त्रों के प्रति बहुत अधिक होती है, और कलर्स से जो वस्त्र डाई किए जाते हैं वे यूजुअली कंपैरेटिवली स्थाई कलर्स के होते हैं। रंग फीके अथवा कच्चे दोनों हो सकते हैं, परंतु यदि हम सही रंग से वस्त्र को रंगते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी के वस्त्र प्राप्त होते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि ये डाइज जो होती हैं कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है, परंतु पिगमेंट्स जो होते हैं वे कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। जहाँ तक मुख्य रूप से इनमें अंतर जो आता है वह इनकी घुलनशीलता और वस्त्र के रेशों के अंदर प्रवेश करने से संदर्भ में ही होता है, अर्थात रंग जो होते हैं डाइज जो होती है वे अंदर प्रवेश करती है वस्त्र के, और जो पिगमेंट्स होते हैं वे केवल सतह पर रहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने कल देखा कि नेचुरल सोर्सेस के डाइज तो हमें वनस्पति से, प्राणिज से एवं खनिज से प्राप्त हुए, परंतु आज हम मुख्य रूप से संश्लेषित रंगों का अध्ययन करेंगे। तो संश्लेषित रंगों का अध्ययन यूजुअली 1856 के अंदर विलियम हेनरी पार्किन ने सबसे पहले किया था। उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर एलिनीन के क्विनीन तैयार किए थे जो कि बाद में संश्लेषित रंग थे। मुख्य रूप से इन संश्लेषित रंगों के अंदर कोल्टार्स यूज़ किए गए थे। यूजुअली संश्लेषित रंगों के अंदर विभिन्न प्रकार के शेड्स हमें मिल सकते हैं, साथ ही कंपैरेटिवली जो नेचुरल डाइस है उनकी उपलब्धता आसान कर दी गई है रंगों की, क्योंकि नेचुरल डाइस के लिए हमें जीव जंतु
तू प्रकृति इन सबको नष्ट करना आवश्यक हो जाता था। परंतु जब हम संश्लेषित रंगों का निर्माण शुरू हुआ तो इन सबको हम बचाने के स्थिति के अंदर आ गए। यूजुअली हम देखते हैं कि सिंथेटिक डाइज जो होते हैं बड़े आकर्षक मनभावन और रंगीन वस्त्र तैयार करने के लिए इनका अधिकतम उपयोग होता है और इनके हम डिफरेंट शेड्स भी लो कॉस्ट के ऊपर तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं संश्लेषित रंगों के प्रकार। तो संश्लेषित रंग उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, रासायनिक संरचना होती है, उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। पहला आता है अम्लीय रंग। जैसा कि नाम से क्लियर है कि बेसिक सब्सटेंस या बेसिक पदार्थ इसके अंदर एसिडिक प्रकृति का होता है। ये कार्बनिक एसिड्स के सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की सॉल्ट्स होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। वनस्पति रेशे कपास लिनन जूट पटसन आदि रंगने में काम आते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि ये ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्रों के लिए सही नहीं माने गए क्योंकि इनमें सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड होता है। ये अम्ल सेल्युलोज को नुकसान पहुंचाते हैं और रेशे इनके संपर्क में आकर गल कर नष्ट हो जाते हैं। ऊनी रेशमी प्राकृतिक एक्रिलिक नायलॉन पॉलिएस्टर वस्त्रों को रंगने के लिए एसिडिक रंगों का उपयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों की अपेक्षा ऊनी वस्त्रों पर भी अम्लीय रंग ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। अम्लीय रंग कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और इन्हें पक्के होते हैं और इन्हें बार बार धुलाई पर इनकी जो कलर है वह फीका नहीं पड़ता है। अम्लीय रंगों को वस्त्र रंगने के लिए सबसे पहले वस्त्र को हमें 5 से 10 मिनट पानी के अंदर गर्म पानी में भिगोना, फिर आवश्यकता अनुसार अम्लीय रंग डालना होता है और इसी घोल के अंदर हमें थोड़ा सा सोडियम सल्फाइड का अच्छी तरह से घोल बनाकर मिलाना चाहिए ताकि रंग और सोडियम सल्फाइड एक सार हो जाए। अब सादे पानी से वस्त्र को निकाल कर निचोड़ कर वस्त्र के लिए जो हमने बाथ तैयार किया है उसमें 15 से 20 मिनट तक हम डुबो कर रखते हैं। वह अम्ल का रंग निकाल कर सल्फ्यूरिक एसिड के तनु घोल में 25 से 30 मिनट तक रखा जाता है। बाद में इसे साफ पानी से हम धोकर कर सुखा देते हैं। रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि उसमें 1 से 3% साइट्रिक एसिड का 10 मिनट घोल बनाकर उसमें 10 मिनट तक डुबोया जाता है जिससे वस्त्र में चमक आ जाती है। तत्पश्चात साफ जल से धोकर वस्त्र को सुखा लिया जाता है। अम्लों या रंगों का प्रयोग करते समय कभी भी शार का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वह उदासीन हो जाएगा और जो इसकी कलर करने की जो एफिनिटी है या रंगने की क्षमता है वह समाप्त हो जाएगी। सेकंड आती है आपकी कि क्षारीय रंग। सभी संश्लेषित रंगों में क्षारीय रंग का सबसे पहले आविष्कार हुआ। एल्कलाइन नेचर होने के कारण कार्बनिक एसिड्स के मुख्य रूप से लवण होते हैं ये और इनमें सेल्युलोज एवं प्राणिज दोनों प्रकार के रेशों को रंगने के लिए इनमें क्षमता होती है। सेल्युलोज निर्मित वस्त्रों को रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉर्डेंट का उपयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए अगेन स्टियरिक एसिड। देखिए पहले वाले में तो हम साइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे थे पर बेसिक के अंदर हम स्टियरिक एसिड को यूज़ करें। 1 से 3% स्टियरिक एसिड की घोल के डाला जाता है जिससे रंग पक्का हो जाता है।
क्षारीय रंगों को रंगने के लिए सबसे पहले वस्त्रों को गर्म पानी के अंदर डाला जाता है। पानी में डालने से टैनिक एसिड मिलाकर रखा जाता है। इस घोल में 5 से 10 मिनट तक वस्त्र रखने के बाद हम इसको पुनः डाइल्यूट टैनिक एसिड के अंदर वस्त्र को भिगोते हैं और यह प्रक्रिया मॉर्डेंटिंग कहलाती है। मॉर्डेंटिंग या बंधक के कारण वस्त्र का कलर जो होता है वो फास्ट आता है। टैनिक एसिड रंग व वस्त्रों के बीच बंधक का कार्य करता है और रंग को वस्त्र पर चिपका कर रखता है। बंधक से रंग पक्का हो जाता है, साथ ही वस्त्र की चमक बढ़ जाती है। वस्त्र को रंगने के लिए क्षारीय रंग को पहले गर्म पानी के अंदर घोला जाता है। इसी घोल में बंधक बने वस्त्र मॉर्डेटिंग फैब्रिक्स जो होते हैं उनको निचोड़कर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके पश्चात निकालकर तनु एसिटिक एसिड के अंदर घोल में डुबोया जाता है और 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। इसके बाद साफ पानी से धोकर छाया के अंदर सुखा लिया जाता है। थर्ड आता है न्यूट्रल डाइज, अर्थात ये डाइज ऐसे होते हैं जो कि न एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं न ही आपके एक्चुअली क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये सारे न्यूट्रल कलर्स होते हैं और ये रंगाई के आधार पर कौन सी विधि को हम यूज़ कर रहे हैं इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसके अंतर्गत आते हैं डायरेक्ट डाइस, वेट डाइस, सल्फर डाइस और डेवलप्ड डाइस। तो इनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।